प्रवत ब्लॉग अगेन। और आज हम बात करने वाले लिथुएनिया कंट्री में, ठीक है, जहां पे यूरो चलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन उसका प्रोसेस नहीं मालूम। प्रोसेस में गाइस क्या क्या चीजें नहीं मालूम है, मैं देख रहा हूँ। हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई लोग, आप किधर भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, सबके वर्क परमिट, स्टूडेंट विजिट या फिर डिपेंडेंट, बिजनेस, जो भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आजाद वीजा, सब ओपन रहते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को ना उसका प्रोसेस नहीं मालूम है। अभी देखो, लिथुएनिया के अंदर ना सबसे टिपिकल प्रोसेस जो है डबल लीगलाइजेशन है, हमेशा से बोलते आ रहा हूं, हमेशा से, ठीक है। अब इंडियन हो, नेपाली हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इन सबको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, ठीक है। उसके बाद भाई लोग आप डिसाइड कर लेना कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। देखो, स्टडी के लिए वीजा वांट फॉर कन्वर्ट वर्क टू, प्लीज हेल्प। आज की डेट में जब लिथुएनिया ने टीआरपी ओपन किया था ना, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, भाई साहब वो एक बहुत ही गोल्डन चांस था, गोल्डन इरा था, ठीक है। लिथुएनिया ने जो है, क्योंकि वेलकमिंग, जितनी शेनेगन कंट्रीज है ना, अगर आप देखोगे नेशनलिटी वाइज, अगर आप देखोगे तो जितनी शेनेगन कंट्रीज यूरोपियन है, सारी क्रिश्चियन कंट्रीज है, ठीक है। और उन्होंने हमेशा जिंदगी में वेलकम किया है कि भाई बाहर से जो लोग आए हैं उनका वेलकम है। आप अगर नहीं कमा पा रहे हो, आप हमारे पास आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रिफ्यूजी हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको रहने की जगह देंगे, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, पोलैंड हो, लिथुएनिया हो, ठीक है। वेलकम, हमेशा वेलकम किया है उन्होंने, उन कंट्रीज ने जिनको जरूरत है। लेकिन एंड में उनको क्या मिला आप देखो, ठीक है। जिन लोगों को उन्होंने अपने यहां पे रिफ्यूजी दिए थे, वही क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हो गए, ब्लास्ट हो रहे हैं फ्रांस में। देखो आप, देखो, आपको न्यूज पढ़ते होंगे सारे के सारे। चलो वो अलग कहानी हो गई। दूसरी कहानी ये हो गई कि भैया जिनको उन्होंने वर्क परमिट दिए, टीआरपी दिए, सबके सब लोगों ने, सबके नहीं मतलब मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, फेक वर्क परमिट, फेक अपने जो है डॉक्यूमेंट, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक सर्टिफिकेशन, फेक वेल्डर्स के सर्टिफिकेशन, ठीक है, फेक अपॉइंटमेंट, फेक इंटरव्यूज दे देके वहां पहुंच गए। सही बता रहा हूं मैं आपको। और आज की डेट में जो लिथुएनिया, ठीक है, वन ऑफ द टॉप जो कंट्री थी, जो जो है वीजा दे रही थी लोगों को, वेल्डर्स की टीआरपी थी, भाई साहब टीआरपी ऐसे पड़ी रहती थी वीएफए सेंटर्स के अंदर, एम्बेसी में, कि भाई आओ लेके जाओ, आओ लेके जाओ, 12-12 दिन में काम हो रहे थे लिथुएनिया के। लेकिन क्या मिला इन द एंड, जब बंदा वहां पहुंचा, ना तो उसको इंग्लिश बोलनी आती, वो बोल रहे यार अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आपके इंटरव्यू किसने दिया, ठीक है। कतर से लोग गए, सबको निकाल दिया, सबको निकाल दिया भाई, जितने लोगों के दोस्त, जितने लोग तुम्हारे भाई या चाचा के लड़का जो भी होगा ना लिथुएनिया में, उसको पूछना कि सुदीप भाई ये बात बोल रहा था कि लिथुएनिया में काफी लोगों को जॉब से निकाल दिया है, इज दैट ट्रू, क्या ये सही है गलत है, आप पूछना, काफी लोगों को निकाल दिया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि वो लोग हैं अंडर स्पॉन्सर, क्योंकि उनकी जो टीआरपी बना है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, वो बना है 2 से 3 साल के लिए। अब वो सोच रहे कि हम लिथुएनिया से निकल के पोलैंड चले जाएंगे, भाई इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो, यू आर अंडर, ये टीआरपी है, टीआरसी नहीं है, लिसन गाइस ढंग से सुनो, ये टीआरपी है, ये टीआरसी नहीं है कि आप लिथुएनिया के अंदर से जो है जाके कहीं और जाके काम कर लोगे, आप पोलैंड निकल जाओगे, भाई ये वो वाला प्रोसेस नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। इसको जिसने भी आपको बताया या काउंसलिंग करी, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। आप पूरे शेनेगन के अंदर टीआरपी में, एक स्पॉन्सर के अंडर में, वो चाहे तो आपको जॉब से निकाल दे, वो चाहे तो आपको पूरे यूरोप यूनियन या शेनेगन में जो है काम करने से रोक दे, वो चाहे तो आपको वापस इंडिया, पाकिस्तान जो है वहां वापस भेज दे, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या डिपेंड करती है कि सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे आपका टीआरपी का प्रोसेस है, जिनको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आप लोग बोलते हो, जिसके लिए आपने अप्लाई कर रखा, उनके ऊपर जो है सारी जो चीजें रहती है 110%। अब जो नेशनल डी वीजा था लिथुएनिया का, जो चल रहा था फिलहाल, वीजा मिल रहे थे उसके, वो हटके जो है टीआरपी आ गया, तो नेशनल डी वीजा में बहुत सारे लोगों को वीजा मिले, ठीक है। तब इन्होंने टीआरपी शुरू किया कि भाई अब जो है हम आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे, समझ रहे हो, हम आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे वीएफए सेंटर में। तो अब जो है लिंक के थ्रू जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया।
अभी देखो समीर मलिक है, पहले तो भाई थैंक यू गाइस, आप लोग ज्वाइन करते हो। मैंने आपको बताया लिथुएनिया का डबल लीगलाइजेशन क्या हो रहा है इस समय। पहले क्या होता था कि भाई सारे डॉक्यूमेंट आप लिथुएनिया भेजते थे, ठीक है, विल्निस में, जो उनकी कैपिटल है, विल्निस में भेजते थे आपको। वहां पे क्या होता था, आपको डबल लीगलाइज होकर डॉक्यूमेंट वापिस आ जाते। अब इन्होंने जो 18 जनवरी में क्या किया उन्होंने नए रूल, कि आप अपने नियर बाय काउंसलर को जो है, या काउंसलेट जैसे इंडिया के अंदर है या फिर यूएई के अंदर है, यहाँ पे जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हो डबल लीगलाइजेशन के। लेकिन यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट बंद कर दी, ठीक है। तो उन्होंने थर्ड स्टेप क्या निकाला कि आप जो है, आप डॉक्यूमेंट अगर कोई आपका जानने वाला है लिथुएनिया के अंदर से, उसके थ्रू जो है आप डबल लीगलाइज करवा सकते हो। एक विजिट में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट डबल लीगलाइज होंगे, एक विजिट में 3, जिसकी फीस है आपका 20-30 यूरो, ठीक है। लेकिन आपको जो है वहां पे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा लिथुएनिया के अंदर, समझ रहे हो। अब सारे के सारे लोग जो है बिना डबल लीगलाइज करे हुए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। भाई माइग्रेशन नंबर जब जनरेट होता है ना, ठीक है, जिसको माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जब जनरेट होता है, उसके बाद जब आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हो, समझ रहे हो, अगर आपकी अपॉइंटमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया या आपकी पीसीसी वैलिड नहीं है, ये नहीं है, तो आपको माइग्रेशन नंबर दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। भाई देखो मैं आपको ना सारी चीज सिखा दूंगा A to Z, मेडिटेशन लेटर क्या होता है, डबल लीगल। अच्छा इंडिया नेपाल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं सर हमको डबल लीगलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं जरूरत नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक सेफ साइड है। सेफ साइड क्या है मैं आपको जो है कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि नेपाल में VFS ओपन हो गया है लिथुएनिया का, ठीक है। तो जो है ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो भाई लिथुएनिया का ये ब्रीफिंग सेशन था, मैं कल आपको फिर बताऊंगा कि माइग्रेशन नंबर जनरेट कैसे होता है, ठीक है। वहां पे 2 सोर्सेस आते हैं लिखे हुए, जो माइग्रेशन नंबर के ऊपर काम करते हैं ना, जो आपका एम्प्लॉयर जैसे मल्टा आइडेंटिटी फिल होता है ना, वैसे ही जो है आप लोगों का माइग्रेशन नंबर फिल होता है, ठीक है। तो वहां पे 2 चीज आती है, एक्सटर्नल सोर्स या माइग्रेशन डिपार्टमेंट। कई लोग वहां पे गलती कर रहे हो, फिल करना नहीं आ रहा, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब नहीं मालूम उनको, एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, तुम्हारा भाई बेटा है, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई आप लोगों का जो है क्वेश्चनिंग आंसर में। मैं आपको क्वेश्चन आंसर में देखना, काफी चीज यहाँ पे भी छुपी होंगी लिथुएनिया की, देखो आपको बाहर निकलेंगे वन बाय वन, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो जो है उसके ऊपर मैं आपको, कुछ रिजेक्शन भी आ रहे हैं लिथुएनिया के, वो TRP के नहीं है, डॉक्यूमेंट के रिजेक्शन में कल आपको या परसों दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पोलैंड में इतना जो है एक्सट्रीम लेवल में बना दिया है कि आपको काफी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं लिथुएनिया में, हंगरी, क्रोशिया, माल्टा सब में बना दूंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले थैंक यू। और आज आप टाइम देखो भाई, आज टाइम कितना हो रहा है, आज टाइम देखो 12 बजने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनका नाम है अदनान खान। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड ब्रदर। कभी डमी टिकट पर भी एक वीडियो बनाओ। डमी टिकट का मैंने वीडियो बनाया, देखो मैं गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, कभी भी लाइफ में गलती मत करना कि आपको डमी टिकट कैसे बनानी है। आप देखो जो डमी टिकट मैंने बनाई है, ये बांग्लादेश के लोग हैं, ठीक है, बांग्लादेश के लोग हैं। इसका नाम है उसर है, जमील है, मामून है, ये सारे लोगों की जो है डमी टिकट मैंने कल सेंड करी थी। डमी टिकट कैसे होनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूं, जो हम बनाते हैं, ठीक है। डमी टिकट हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ये व्हाइट पेपर में डॉट 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 करने वाला सिस्टम, वो वाला मत करो, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। और डमी टिकट कैसी बननी चाहिए, देखो ये बंदे जा रहे हैं सर्बिया, ठीक है, बेलग्रेड की है, आप ये देखो ढाका से इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल से बेलग्रेड सर्बिया जा रहे हैं। कब जा रहे हैं आप देखो, ये है 1 मई का, समझ रहे हो। तो ये टिकट जो है ऐसे बननी चाहिए, ये सर्बिया वाले बंदे हैं सारे के सारे, बांग्लादेश के हैं। तो भाई इन्होंने हमको, तो हमने इनको कौन सी, टर्किश एयरलाइंस दे रखी है, टर्किश, समझ रहे हो। तो भाई काम अगर आप करते हो तो आपको वैल्यू ऑफ मनी चीजें मिलनी चाहिए। तो ये जो टिकट आपने पूछा मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। राजू भी के राम राम, राम राम। एक नाम है इमरान अली। सर सऊदी अरेबिया में मेरा हाउस ड्राइवर का लाइसेंस है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। जो रोशन का वीडियो देखो वो भी हाउस ड्राइवर था, कुवैत में, श्रीलंका नेशनलिटी है, उसका वीजा भी लग गया, चले भी गया, ठीक है। उसके बाद अमनीश बोल रहे, सर राम राम सुधीर भाई, हालचाल क्या है? अपॉइंटमेंट के लिए कितना महीने तक उम्मीद लगा सकता हूँ? कम से कम पोलैंड की इस पर चर्चा कर लीजिए। पोलैंड की अपॉइंटमेंट में मैं डेली जो है सेशन बनाता रहता हूँ। देखो पोलैंड की अपॉइंटमेंट 2 तरीके से मिलती है, एक VFS के थ्रू, एक एम्बेसी के थ्रू। लेकिन इंडिया के अंदर VFS है तो आपको VFS के थ्रू जाना पड़ेगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आपको जो अपॉइंटमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी का लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो है आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन गाइस मैं फिर आपको एक चीज बताता हूँ,
जब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सुदीप इसमें डील करता है, ठीक है, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। जैसे ये एक अपॉइंटमेंट है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट के लिए पूरा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश तरस रहा है, मुझे मालूम है, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट है विनोद कुमार की, मैं दिखा देता हूं, और ये कहां की है, VFS सेंटर अहमदाबाद पोलैंड की, ये देखो पोलैंड का देख लो आप, ठीक है, पोलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का है। अब इसकी जो कैटेगरी है वो है नेशनल एम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हो। अब ये अपॉइंटमेंट कब की मैं भी दिखाता हूं, ये देखो 12/4, समझ रहे हो। ये अपॉइंटमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये इतनी इजी मिलती है। देखो हम लोग काम करते रहते हैं, हमारे पास काफी चीजें होती हैं, ठीक है, हेयर एंड देयर भी रहता है, ये भी आपको सच बोल रहा हूँ, कभी चीजें अप एंड डाउन होती है, लेकिन जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ लेटेस्ट चीज है। अब ये जो VFS की अपॉइंटमेंट है कितने की, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 936 रुपए की, ये देख लो इसका रेट देखो, लोग इसके लिए 40-40, 50-50 हजार रुपए खर्च करने को तैयार है। तो जो लोग बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो भाई अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, लेकिन भाई सुदीप भाई ये काम नहीं करता, ना मेरी टीम की तरफ से कोई मैसेज आएगा, अगर आप मैसेज भी करोगे तो हमको रिप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट इंडिया से फोन करते हैं, लोग सुदीप भाई आप लाइव में नहीं बताते तो यहाँ बता दो, मैं बोलता हूँ भाई मैं डील ही नहीं करता, ठीक है। अभी आप डोमिनोज के अंदर खड़े होकर बर्गर मांगोगे तो भाई कहां से दे देंगे, वो तो पिज्जा वाले हैं, डोमिनोज का बर्गर चाहिए तो डोमिनोज में जाओ या फिर बर्गर किंग में जाओ, समझ रहे हो, अपना काम बिल्कुल सीधा है। ओके हार्दिक पटेल, हाय सर कैसे हो, हेलो भाई कश्यप। अब भाई जितने लोगों ने हमने ज्वाइन किया है, मैं जो है इन सबको आंसर देने वाला हूँ, फटाफट दोबारा जो है अपने आंसर नोट कर लो। सबसे पहले ETC है, रियाद रियाल, इनके आंसर देते हैं। सर मैं सिस्टम में दुबई, लबानी भाई आपने नेपाली लिख दी, सॉरी फॉर दिस, आप जो है हिंदी लिखो लेकिन इंग्लिश में लिख दो, हिंदी वर्ड कोई चलेगा। एक नाम है सोनू, सोनू इनका नाम है सर, गुड आफ्टरनून सर, लिथुएनिया के डबल लीगलाइजेशन PCC करने में कब तक एम्बेसी ओपन होगा अपॉइंटमेंट, ठीक। देखो एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है ना, नोबडी कैन फोर्स, ठीक है, ये सेम प्रोसेस पोलैंड के अंदर है ड्रॉ का। 18 जनवरी 2024 में जिस दिन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ लिथुएनिया ने बोल दिया कि भाई अगर आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हो, आप नियर बाय अपना जो है काउंसलेट तैयार कर लो, ढूंढ लो, ढूंढा, अपॉइंटमेंट क्लोज कर दी। अब क्या करोगे, आप कहां से करोगे, जितने लोग लिथुएनिया के वर्क परमिट लेके बैठे हैं ना, सारे के जो है अभी देखना बहुत तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि माइग्रेशन नंबर जनरेट हो गया, ठीक है, PCC अपोस्टाइल नहीं है, 3-4 महीने का टाइम में प्रॉब्लम आएगी। ओके जाहिद दंदारी, सर पोलैंड वेयरहाउस के लिए मैक्सिमम एज कितना चाहिए। देखो मैक्सिमम एज ऐसा कुछ ही नहीं है, अगर आप देखोगे पोलैंड के लिए, कई लोग बोलते हैं एज चाहिए नहीं चाहिए, आईएलटीएस चाहिए नहीं चाहिए, एजुकेशन, क्या ये बात सच है, यस ये बात सच है, बट फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप अंडर 38-37 है देन ट्राई, उसके बाद धीरे करके रिस्क बढ़ता रहता है। अच्छा विजय देहरादून बोल रहे हैं सर लिथुएनिया TRP दिल्ली VFS में कब ओपन हो रहा है सर, एनी आइडिया। देखो लिथुएनिया का इंडिया के अंदर से जो अपॉइंटमेंट मिलेगा ना, आप विजय देहरादून जो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्सट्रीम केसेस में। अब जो TRP है उसकी अपॉइंटमेंट अभी जो रूमर्स चल रहे हो, कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको, दुबई में, ठीक है, नेपाल में, ठीक है, काठमांडू में, या फिर सिंगापुर के अंदर, तो ये थाईलैंड में भी अब इनका VFS ओपन, मैं आपको बता दूंगा 34 सेंटर जो है, 34 सेंटर्स, 35 सेंटर्स है, मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा एक एक सेंटर कौन सा है, ठीक है, वहां जा सकते हो। सुजीत सिंह सर क्रोशिया की दिसंबर में रिफ्यूजल लगी थी, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ क्रोशिया के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुजीत सिंह देखो आपकी रिफ्यूजल कौन सी रिफ्यूजल आई है ये मेरे को जानना जरूरी है, क्या वो रिफ्यूजल नंबर 1 है वीजा एप्लीकेशन, या फिर रिफ्यूजल नंबर 7 है फेक डॉक्यूमेंट, या रिफ्यूजल नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट इंटाइलिंग पता नहीं चल रहा। गाइज ये जो मैं आपको रिफ्यूजल बता रहा हूँ ये क्रोशिया के जो रिफ्यूजल पेपर है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जाहिद अंसारी वर्ल्ड नंबर 1 चैनल, थैंक यू भाई। देखो हम लोग को जो है आप लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है, और हमारा काम ऐसा रहता है गाइज, देखो हम लोग जो है चीजें जब करते हैं तो भाई पूरे दिल से करते हैं और अपडेटेड देते हैं, लुथुने वाले को देख लेना आप। अच्छा अब मैं जो है आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, इनका नाम है रिया सर, फैम इस्तेमाल पर PCC में डबल लीगलाइजेशन करना जरूरी, समझ नहीं आया भाई मेरे को, दोबारा समझ में नहीं आया रियाद, अभी इसमें व्हाइट नोट्स वाला सिस्टम तो है नहीं, जो वॉइस नोट से मैं समझ जाऊँ, ठीक है, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो भाई रियाल रियाद का एक बार जो है मुझे समझा दो क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके इनका नाम है प्योर मनोरंजन न्यूज, अरे वाह मनोरंजन न्यूज वाले भी बैठे। सर मैं इस वक्त कोरामिस में हूँ, मुझे प्लीज वर्क परमिट दिला दो सर यहाँ का। भाई देखो वर्क परमिट ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है, वर्क परमिट में अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं सिर्फ जो है पोलैंड के अंदर हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जो है नेशनल डी वीजा चाहिए, समझ रहे हो, या फिर आपकी TRC चाहिए, जिस भी कंट्री में आप बैठे हो वहां पे वैलिड ID, ठीक है, वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट, उसके बाद जो है चीजें आगे हो पाएगी। अच्छा
अब जो क्वेश्चन है, सुजीत का क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया, इनका भी दे दिया, अब जो है फटाफट हार्दिक आ गए। सर प्लीज मैंने आपसे अप्लाई करना है, प्लीज सर कंफर्म योर नंबर। हार्दिक कुमार भाई अभी आराम से बैठो, जल्दीबाजी मत करो गाइज, आप लोग जल्दीबाजी बहुत करते हो, ठीक है, इस चक्कर में जो है इधर उधर हो जाता सीन। पहले आप अच्छे से काउंसलिंग लो, हमारा काउंसलिंग सेशन भी गूगल मीट का, ठीक है, उसमें हम अच्छे से ऐसी चीजें बताते हैं कि भाई आपको क्या चीज सुटेबल है। हर आदमी हर जगह नहीं जा सकता, ठीक है, और हर जगह हर आदमी के लिए नहीं होती है, समझ में आया। लिथुएनिया के अंदर जितने भी लोग गए, अगर वो मेरी बात सुन लेते एक टाइम के लिए कि भाई अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से रखो, इंग्लिश सीख लो, मैंने कई बार बोला इंग्लिश सीख लो, अगर वो सीख लेते तो आज उनकी जॉब होती। अब वो चार महीने से यूरो पे कर रहे हैं, कहां लिथुएनिया के अंदर, क्योंकि वहां यूरो चलता है, घर से पैसा आ नहीं रहा, इंडिया से पैसा भेज नहीं सकते, नेपाल से नहीं भेज सकते, ठीक है, आप जो श्रीलंका से पैसे नहीं भेज सकते, पाकिस्तान से नहीं भेज सकते, अब क्या करोगे, फंस गए सारे के सारे, ठीक है, जहां बंदा चार टाइम का खाना खा रहा था इज्जत से, अब उसको दो टाइम का भी नहीं मिल रहा, क्यों करते हो भाई इतनी जल्दीबाजी। पहले चीजों को समझ लो यार, देखो कोई भी चीज कहीं नहीं जा रही है, सब वही है, लिथुएनिया जब से बनाया ना तब से वही है, ठीक है, प्रोसेस चेंज होता है, इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट लगता है पोलैंड, कभी उसके रूल चेंज होते ही नहीं है। आप देखो कभी हंगरी का देखो रूल चेंज हो गया 1 मार्च से, ठीक है, देखो लिथुएनिया का तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कब एम्बेसी उठ गई वहां से, ठीक है, VFS का किसका काम करोगे आप। तो ये चीजें जो है आपको समझ सोच समझ से करना पड़ेगा। अच्छा एक क्वेश्चन है, रियासत देयर इज ए MFA फॉर द PCC, इट शुड बी डबल लीगलाइज और नॉट। देखो रियाज, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई MFA एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो PCC जो डबल लीगलाइजेशन होगी वो आपको कैसे होगी, ये भी एक मैटर है, ब्रीफिंग दे देता हूँ, लास्ट चीज अच्छे से समझाऊंगा, फिर जो है सुदीप भाई क्लोज करेगा, कल दोबारा आऊंगा मैं, ठीक है। पहली चीज PCC करवानी है, लेट्स एग्जांपल मैं बैठा हूं अबू धाबी UAE के अंदर, एक PCC यहां से मोफा होगी, कहां से, UAE से, ठीक है, दूसरी जो वही PCC कहां से मोफा होगी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं इंडियन हूं, सही है, इंडियन एम्बेसी से, तीसरी PCC कहां से मोफा होगी, रिपब्लिक ऑफ लिथुएनिया। अब वो लिथुएनिया वाला जो डबल लीगलाइजेशन है भैया वहां फंस गए बंदे, वो सोच रहे यार भाई समझ नहीं आ रहा ये करूं तो करूं कैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बंद होगी, लिथुएनिया में आपका जानने वाला कोई है नहीं, सब फंस गए। तो भाई इस समय जो है कम लोग अप्लाई करो लिथुएनिया के लिए तो ज्यादा अच्छा सी है, ठीक है। हंगरी यू कैन अप्लाई, हंगरी ने देखो सैलरी कितना डाउन कर दिया अपना, देख रहे हो। तो आपको जो है चीजें समझनी पड़ेगा, दिस इज नॉट अ इजी वे, आपको लगता है ये हलवा है तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन अपने अरेंज करके रखो। अब जो है हंगरी भी जो है मोफा मांगने लग गया हर चीज में, अपोस्टल मांगने कर लग गया, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है अपना अपोस्टल करके रख ही लो, लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। कल आऊंगा मैं, फिर आपको बताता हूँ कि जो रिजेक्शन आ रहे हैं वो किस बेस में आ रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल।